नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। बालाघाट जिले में लॉकडाउन का पालन सुनिश्चित कराने जिला तथा पुलिस प्रशासन हर संभव कोशिश कर रही है। परिणाम स्वरूप आज तक यहां एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने नहीं आया। इसके अलावा कोई संक्रमित व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के संपर्क में आने पर उसे प्रभावित न कर सके और एहतियातन कोरोना संक्रमण को रोकने शहर के 4 स्थानों पर ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन लगाई गई। बालाघाट जिले की जनता लॉकडाउन का पालन कर रही है। एहतियातन शहर के जिला अस्पताल, कलेक्ट्रेट, पुलिस लाइन तथा केसर प्लाजा कॉम्प्लेक्स में ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन लगाई गई है ताकि जिले में कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। कमरे से आ गया, कमरे में कोई नहीं चटक, मैंने बताया था ताला खोल के रखना तो खुला था। आपने सैनिटाइजर मशीन बनाए हैं, इसके बारे में कुछ बताइए आप। ये जो सैनिटाइजर मशीन बनाई गई है, इसमें हमारे बालाघाट जिले के डीएम श्री दीपक आर्य सर और एडीएम श्री राघवेंद्र सिंह सर और मैम जो है सीओ मैम रजनी मैम, इनके मार्गदर्शन में और साथ ही में हमारे सर हैं जिला पंचायत में रवि पालेवार सर और इंजीनियर राहुल मेसराम सर की मदद से हमने इस मशीन का स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया गया है। और उसके बाद जो इसका कार पार्किंग का सेंसर है वो ब्रजेश चौधरी सर, इंजीनियर ब्रजेश चौधरी सर के द्वारा किया गया है। और इसका जो हार्डवेयर बनाया गया है मेरे द्वारा बनाया गया है, मैं नरेश सपाटे हूँ। और उसके बाद इस मशीन का यूज़ ये है कि आप इसके सामने से जब भी जाएंगे सेंसर के सामने से, वो सेंसर आपको सेंस करेगा और सैनिटाइज़र थोड़ी देर बाद स्टार्ट हो जाएगा और आपको 15 से 20 सेकंड तक सैनिटाइज़ करेगा, जिससे आपका अगर वायरस अगर आपके पास आपके बॉडी में या आपके कपड़े में इन्फेक्टेड है तो वो मर जाएगा। ये सैनिटाइजर मशीन का यूज़ है। थैंक यू। देखा जाए जिला अस्पताल में कोरोना वार्ड भी बनाया गया, वहीं पर आइसोलेशन वार्ड भी है और लोग वहाँ पे जाते हैं अपने चेकअप के लिए, ओपीडी में जा रहे हैं, तो उसके लिए सुरक्षा के एहतियात वहाँ पे एक मशीन भी आपने लगाया, क्या वो मशीन है और किस प्रकार से कार्य करता है सर? इसमें ये हैंड्स फ्री मशीन है, इसका दो पर्पज़ हैं इसके। एक तो कि यदि कोई बाहर से व्यक्ति आ रहा है तो वो अपने साथ संक्रमण लेकर ना आ जाए हॉस्पिटल में, क्योंकि हॉस्पिटल में कोरोना के अलावा भी और अन्य बीमारियों से या अन्य इलाज कराने या फिर प्रसूति जो वो भी सुविधा है उसके लिए भी बहुत सारे अन्य लोग भी आते हैं जो स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ।